नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। पेशे खिदमत के एक और एपिसोड में मैं प्रदीप शर्मा। दोस्तों, हम अक्सर जब किसी शायर को सुनते हैं तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आती है कि काश हम भी कुछ लिख पाएं। अब जैसे गालिब साहब ने लिखा, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। बहुत गहरा मतलब है इस शेर का। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आता है कि जब इतने बड़े बड़े शायर बहुत कुछ लिख गए तो क्या हम एक कोशिश भी नहीं कर सकते? और जब आप कोशिश करते हैं और हम तक अपनी रचनाएं पहुंचाते हैं तो वो शामिल होती हैं पेशे खिदमत प्रोग्राम में। लखनऊ की विजय कुमारी विजय मौर्य, वो पहले भी इस प्रोग्राम में अपनी एक गज़ल कह चुकी हैं और आज एक और गज़ल कहने जा रही हैं। आइए विजय जी। चार लाइनें पढ़ रही हूँ कि मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। प्रस्तुत है गजल। जिंदगी में प्यार बेशुमार हो गया, प्यार 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 पहली बार हो गया। जिंदगी में प्यार बेशुमार हो गया, प्यार 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 पहली बार हो गया। कह कहों से गूंजती हैं महफिलें सभी, कह कहों से गूंजती हैं महफिलें सभी। बिन तुम्हारे रंग ये बेकार हो गया, बिन तुम्हारे रंग ये बेकार हो गया। प्यार 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 पहली बार हो गया। जब उसे देखा आईने में प्यार से तुम्हें, जब उसे देखा आईने में प्यार से तुम्हें, तीर मेरे दिल के आर पार हो गया। जब उसे देखा आईने में प्यार से तुम्हें, तीर मेरे दिल के आर पार हो गया। प्यार 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 पहली बार हो गया। आज तक तो तुम रही थी प्यार की गजल, आज तक तो तुम रही थी प्यार की गजल। अब हमें ये गीत का खुमार हो गया, अब हमें ये गीत का खुमार हो गया। प्यार 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 पहली बार हो गया। और आखिरी लाइनें, प्यार 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 पहली बार हो गया। चाहे जितना बेवफाई करो ऐ विजय, चाहे जितना बेवफाई करो ऐ विजय, फिर भी बार बार एतबार हो गया। चाहे जितना बेवफाई करो ऐ विजय, फिर भी बार बार एतबार हो गया। फिर भी बार बार एतबार हो गया। धन्यवाद। बहुत खूब विजय जी, आपका जो गज़ल कहने का एक लहजा है वो निराला है, बहुत खूब है, अलग है। और अब कानपुर की राखी कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने पेशे खिदमत में इससे पहले अपना एक गीत प्रस्तुत किया और एक कविता प्रस्तुत की, और आज वो पेश करने जा रही हैं एक गज़ल, यानी आप गज़लें भी कहती हैं। तो आइए राखी जी, सुनते हैं आपकी ये गज़ल।
नमस्कार मित्रों, मैं राखी कुलश्रेष्ठ कानपुर से आपके समक्ष एक गजल पेश करती हूँ। दिल धड़कने लगे, सांसें माध्यम हुई। दिल धड़कने लगे, सांसें माध्यम हुई। नेह मिलने लगे, रात पूनम हुई। नेह मिलने लगे, रात पूनम हुई। जर्रा जर्रा समा में खुशबू भरी। जर्रा जर्रा समा में खुशबू भरी। चांदनी सब में संगीत सरेगम हुई। चांदनी सब में संगीत सरेगम हुई। नेह मिलने लगे, रात पूनम हुई। ये कहां झमाझम हुई। मेरे गुलशन में बारिश झमाझम हुई। नेह मिलने लगे, रात पूनम हुई। खुशी आँसुओं के मोती बन के गिरे। खुशी झमाझम हुई। नेह मिलने लगे, रात पूनम हुई। मैं शब्द बनी, तुम्हें अर्थ बने। मैं शब्द बनी, तुम अर्थ बने। अलंकार पूनम हुई। दिल धड़कने लगे, सांस माध्यम हुई। दिल धड़कने लगे, सांस माध्यम हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। ये बात तो कहना पड़ेगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। आपका एक अलग अंदाज है, निराला अंदाज है गज़ल कहने का। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई भी रचना पेशे खिदमत में शामिल करने के लिए भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। आप उन बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाकर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।